आखिरकार पीएम मोदी कुर्सी पर बैठ गए। अब कुर्सी पर बैठने के बाद लोगों की टेंशन इस बात को लेकर बढ़ रही है कि पहला ऑर्डर क्या किया है। जानकर आपको बड़ा हैरानी होगा, शपथ लेते ही पीएम मोदी ने क्या ऑर्डर किया है। तो वहीं एक और चीज बड़ी हैरानी भरी रही, मुइजू की हरकतें, यानी मालदीव के राष्ट्रपति ने किस तरीके से पूरे शपथ ग्रहण में अपने आप को पेश किया। क्या मालदीव के साथ भारत के रिश्ते ठीक होंगे और क्या मालदीव अपने ही संसद में फंसा हुआ है, यानी कि मुइजू के लिए मुश्किलें खड़ी हो रही है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह सीआईएस न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर एक स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, शू फेई होंग, इन्होंने कहा है पीएम मोदी के शपथ ग्रहण के बाद कि पीएम मोदी अब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के रूप में शपथ ले रहे हैं और आशा करते हैं कि प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और पीएम मोदी दोनों मिलकर एक अच्छा चाइना इंडिया रिलेशनशिप बनाएंगे। चीन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण पर अब फिर एक बार बधाई। चीनी राजदूत ने बधाई देते हुए कहा कि दोनों देश राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी के बीच बनी सहमति पर पालन करते हुए एक सुदृढ़ और स्थिर चीन भारत संबंध का निर्माण करेंगे। वैसे आपको बता दें, चीनी राजदूत ने जो कुछ भी ये लिखा है, तीन बार बधाइयां दे चुके हैं अभी तक में, और ये संकेत है कि चाइना बहुत ही ज्यादा उतावला था इस रिजल्ट को जानने के लिए, आगे क्या होगा इसे भी जानने के लिए। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी चुप नहीं बैठी है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा डिस्कशन हो रहा है। चुनाव में बीजेपी बहुमत नहीं पा सकी है, जिस कारण उसे एनडीए गठबंधन के सहयोगियों पर निर्भर रहना पड़ेगा। दुनिया का मीडिया इसे एक दुर्लभ क्षण बता रहा है कि नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के लॉन में शपथ ग्रहण समारोह हुआ, जिसमें भारत के कई पड़ोसी देशों के नेता शामिल हुए। भारतीय अरबपति गौतम अडानी, मुकेश अंबानी, सब कोई शामिल हुए। द फाइनेंशियल टाइम्स ने अपनी खबर में लिखा है कि पथ की शपथ लेने से पहले मुस्कुराते हुए मोदी ने भीड़ को प्रणाम किया। भीड़ उनके नाम का नारा लगा रही थी। रिपोर्ट ने कहा कि ये तो दुर्लभ मौका है कि कोई तीसरी बार सरकार बना रहा है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी मुश्किल है कि इन्हें अब अपने कई सारी चीजों को धीमा करना होगा। सरकार चलाने के लिए कूटनीतिक कौशल सीखने होंगे। बीजेपी को अपने हिंदू राष्ट्रवादी लक्ष्यों पर काबू पाना होगा। तो वहीं पाकिस्तानी मीडिया भी यही कह रही है कि अब बड़ी मुश्किल होगी। इसलिए मुश्किल होगी कि रिकॉर्ड तो जरूर है, तीसरी बार पीएम बने हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि अब उन्हें गठबंधन के हारे चलना हो। सबसे पहली बात यह है, जब पीएम मोदी शपथ ले रहे थे, अगर आप उस थोड़े से क्षण को देखेंगे तो वहां आपने देखा होगा खूब सारी तालियां बजी, जैसे ही उन्होंने कहा मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। इस तरह का ध्वनि मत बहुत कम नेताओं के साथ होता है और ये चीज दिखलाती है कि पब्लिक क्या चाहती। और सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया नहीं, बल्कि यहाँ पर एक और भी आकर्षण के केंद्र थे और वो थे मालदीव के राष्ट्रपति मुइजू। आकर्षण का केंद्र होने के पीछे सबसे पहली वजह ये थी कि मालदीव और भारत के बीच में किस तरीके के रिश्ते हैं, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। लेकिन भारत फिलहाल के लिए सबको लेकर चल रहा है जो भी उसके पड़ोस में है, क्योंकि भारत ऐसा कोई मौका नहीं देना चाहता है चाइना को जो एंट्री कर सके। कई सारे लोग ये कहेंगे कि मालदीव को न्योता देना गलत था, लेकिन नहीं, ऐसा ही श्रीलंका के साथ भी हुआ था। आज जो हम्बन टोटा पोर्ट श्रीलंका का चाइना के पास है और जो हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या बन रहा है, श्रीलंका ने कभी उस हम्बन टोटा पोर्ट को भारत को ऑफर किया था और उस समय भारत ने भी दूरियां बनानी शुरू कर दी थी। दूरियां इसलिए बनानी शुरू कर दी थी क्योंकि श्रीलंका में धीरे धीरे राजपक्षे परिवार का बोलबाला हो रहा था और राजपक्षे परिवार चाइना के साथ ज्यादा जुड़ा हुआ था। पर श्रीलंका दूसरा पाकिस्तान नहीं बना, क्योंकि समय रहते चीजें ठीक हो गई और भारत ने बात करना नहीं छोड़ा। वैसा ही केस मालदीव के साथ भी है और काफी हद तक मालदीव से या नेपाल से या बांग्लादेश से भारत सतर्क रहे, लेकिन कनेक्शन पूरी तरीके से ब्रेक करना कहीं भी उचित नहीं होगा। यही वजह है कि भारत की तरफ से इन्हें न्योता दिया गया, ये पहुंचे भी। हालांकि पूरा सीन देखेंगे,
शपथ ग्रहण का, तो कई ऐसा मौका आएगा जहां पर आपको मुइजू उदास से दिखेंगे, या कई ऐसा मौका आएगा जब मुइजू सोचते हुए दिखेंगे। जैसे इसी तस्वीर को आप देख लीजिए, इस तस्वीर में आपको मुइजू के चेहरे के भाव, एक अलग भाव दिखेंगे। बाकी नेताओं के, भूटान के हो या फिर मॉरिशस के हो या बांग्लादेश की हो या नेपाल के प्रचंड ही क्यों ना हो, इनके भाव आपको एकदम अलग दिखेंगे। मन की बात छिपा नहीं पाते हैं मुइजू, ऐसा लगता है। पर जो भी हो, यहाँ मुइजू को न्योता देना जरूरी था। मुइजू को ये देखना भी जरूरी था कि भारतीय पीएम को भारत की जनता कितना पसंद करती है। ये इन्होंने जरूर महसूस किया होगा, जिस तरीके से पीएम मोदी के शपथ ग्रहण में ध्वनि मत हो रहा था और जिस तरीके से लोग नारे लगा रहे थे, वो देखकर ही समझ में आया। पर भारत ने न्योता दिया था तो भारत ने बहुत ही अच्छे तरीके से भूमिका निभाई ही। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक डिनर पार्टी आयोजित किया गया राष्ट्रपति भवन की तरफ से, जहां पीएम मोदी के ठीक बगल में मुइजू बैठे भी दिखे और मुइजू और मोदी आपस में बात करते हुए भी दिखे। ऐसा माना जा रहा है कि भारत मालदीव को पूरी तरीके से कट नहीं करना चाहता है और मालदीव के साथ भी आगे बातचीत को जारी रखना चाहता है। हालांकि ये जब आए तो इनके साथ मंत्रिमंडल भी आया हुआ है, ये डॉक्टर एस जयशंकर से भी मिले। एक और थोड़ी सी अलग सी चीज देखने को मिली कि दोनों की पिक, इस पिक को इन्होंने अपने इंस्टा स्टोरी में भी लगाया कि मैं पीएम मोदी के साथ बैठकर गप्पे मार रहा, माने कि डिस्कशन कर रहा था। अब ये तस्वीर लगाने का मतलब समझिए कि ये चाचा जिनपिंग को कह रहे हैं कि माल भेजो नहीं तो पाला बदल लूंगा। खैर जो भी हो, पर अब इंडो पैसिफिक इलाके में बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। शपथ ग्रहण में पीएम मोदी ने ये दिखाया कि भारत अपने पड़ोसियों के साथ मिलकर चलना चाहता है, सिर्फ दो पड़ोसी पाकिस्तान और चाइना जो अपनी वजह से इस सम्मेलन में नहीं आ पाए हैं। खैर अब बहुत सारे लोगों का प्रश्न है कि पीएम मोदी ने आखिरकार पहला ऑर्डर क्या दिया है, लोगों की नजरें बनी हुई थी। तो यहाँ पर पीएम मोदी ने पहला ऑर्डर साइन किया है और इसके हिसाब से 17वां इंस्टॉलमेंट पीएम किसान निधि का रिलीज किया गया है, जो किसानों को मिलता है उनको सबसे पहले पैसे रिलीज किए गए हैं ताकि किसानों को पैसे मिले। इसके अलावे यहाँ पर इन्होंने अपनी कैबिनेट मीटिंग वगैरह शुरू कर दी है और अब देखना होगा आगे आगे चीजें क्या आसान होती हैं या मुश्किल होती हैं। वैसे मुश्किल नहीं होगी और ये दिख रहा है कि कैबिनेट में वर्चस्व बीजेपी के नेताओं का ज्यादा हो रहा है। जो संख्या है वो उसी हिसाब से बांटा गया है, पोर्टफोलियो को उसी तरीके से रखा गया है, जो बताता है कि सरकार अभी भी मजबूत है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।